दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय है, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 मार्च सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों आपको याद होगा कि लगभग एक साल पहले हमने जीरे पर सबसे पहले आपको तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुआ था। लगभग 6 महीने पहले आपको लगातार अपडेट दिए उस और जीरे की तेजी की अग्रिम विश्लेषण दिया। साथ साथ जब जीरा 36,000 रुपए के लेवल पे ट्रेड हो रहा था, उस वक्त आपको एक विशेष शो के जरिए आपको आगाह अलर्ट किया कि सांप सीढ़ी का खेल हो सकता है जीरे में, और उसके बाद जीरा धड़ाम से नीचे गिरा। तो दोस्तों विश्लेषण वो जो आपको अग्रिम विश्लेषण दे, घटना घटने से पहले आपको विश्लेषण दे, और घटना घटने के बाद तेजी या मंदी के बाद होने के बाद उसका 50 कारण विश्लेषण से कोई फायदा नहीं है। हमारा चैनल ना केवल आपको सूचना देता है, विश्लेषण देता है, देश दुनिया की खबर देता है, अपितु विश्लेषण भी देता है। आज हमारे साथ जीरे पर का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुषार जैन। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जबरदस्त विश्लेषण हमारे दर्शक काफी पसंद करते हैं। पिछली बार भी आपने जो अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर अपना विश्लेषण दिया था, बैंक निफ्टी पर अपना विश्लेषण दिया था, और कल के आपका विशेष शो, वो भी काफी दर्शकों ने सराहा। आज मैं आपको एग्रो कमोडिटीज मसालों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक मसाला जीरा यानी क्यूमिनिस के ऊपर बात करना चाहूंगा। क्यूमिनिस के ऊपर मैं आपसे बिल्कुल सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम जीरे के फंडामेंटल पर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे जीरे के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जीरे का वर्तमान भाव अभी एनसीडीएक्स पे क्या चल रहा है उसका आपको अवलोकन करा देते हैं, स्क्रीन पे दिखा देते हैं। देखिए जीरे के जो भाव अभी मौजूदा भाव जो है 32,800 के आसपास चल रहे हैं, और इसने बड़ी अच्छी मूवमेंट ऊपर और नीचे की पिछले लगभग 15 दिन में दिखाई दी है। मैं तुषार जी का आपसे को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो इसके ऊपर बिल्कुल आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम तुषार यानी क्यूमिस के फंडामेंटल पर आप बात करेंगे, और क्योंकि जीरे की तेजी मंदी के अंदर भारतीय खपत यानी कंजम्पशन और पैदावार के अलावा चाइना से बड़ी डिमांड अक्सर देखने में आती है, और चाइना की डिमांड से ही जीरे के भाव और तेजी और मंदी में विशेष असर रखते हैं। तुषार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। सो हम यदि जीरा यानी कि क्यूमिंस के फंडामेंटल्स को देखें तो हम देख सकते हैं सबसे पहले हम कितनी उसकी प्रोडक्शन है, कितनी उसकी डिमांड है, और कितनी उसका वो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया की फसल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान और गुजरात जो कि काफी इम्पोर्ट दो राज्य है जहाँ पे जीरे की पैदावार होती है, और राजस्थान प्रमुख स्टेट है जिसके अंदर जीरे की पैदावार होती है, और राजस्थान की तरफ से लगभग 40 लाख बैग्स यानी कि 40 लाख बोरी की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है, संभावनाएं जताई जा रही है प्रोडक्शन की, और वही गुजरात की तरफ से लगभग 22 से 25 लाख बोरियों की संभावनाएं दिखाई दे रही है प्रोडक्शन की, और इसी के साथ ही लगभग 5 लाख बोरियों का पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड है। और राजस्थान अभी तक यदि हम मंडियों की आवक देखें तो उसमें राजस्थान के जीरे के अधिक आने की खबर मिल रही है, और इसी के साथ ही यदि हम इंटरनेशनल प्रोडक्शन के ऊपर भी बात करें तो यदि हम चाइना की फसल के बारे में देखें तो चाइना के अंदर पिछले साल लगभग 15,000 से 16,000 टन की प्रोडक्शन यानी कि पैदावार हुई, और इस साल की जो एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है वो ये यही है कि 25,000 से 28,000 टन की संभावनाएं चाइना की तरफ से प्रोडक्शन की जताई जा रही है। तो ये तो ओवरऑल प्रोडक्शन का आंकड़ा जीरे के ऊपर। अब हम देखते हैं कि कंजम्पशन यानी कि खपत कितनी बन रही है, जिसके वजह से आगे के इसके भाव के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम यदि भारत का
कंजम्पशन देखे तो भारत का कंजम्पशन लगभग 75 से 80 लाख बोरियों का होता है हर साल। और जैसे कि अभी हमने बात करी, यदि राजस्थान और गुजरात के बोरियों को ऐड कर ले तो लगभग 60 से 65 लाख बोरियों का प्रोडक्शन है, और 5 लाख पिछले साल की यदि हम जोड़ ले तो लगभग 65 to 70 लाख बोरियों का प्रोडक्शन और हमारे पास स्टॉक रहने की संभावनाएं बन रही है अभी तक के डाटा के हिसाब से। और जो कंजम्पशन है यानी कि खपत है वो लगभग 75 to 80 लाख बोरीज या बैग्स की है, तो लगभग 10 लाख बोरियों का हमारे पास डेफिशिट रहने की संभावना इस साल बनने की हो रही है। और वही यदि हम चाइना के खपत को देखें तो जैसे कि अभी हमने बात करी, लगभग 25 से 28 हजार टन की पैदावार होने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन 70 से 80 हजार टन की चाइना के अंदर आमूनन खपत हर साल होते हुए दिखाई देती है। इसलिए चाइना की तरफ से भी आगे आने वाले 15-20 दिनों के अंदर कुछ डिमांड देखने को मिल सकती है, लगभग 200 से 250 कंटेनर की डिमांड चाइना की तरफ से भी देखने को मिल सकती है। तो ये था ओवरऑल जीरे का कंजप्शन और प्रोडक्शन यानी कि खपत और पैदावार की आंकड़े इंडिया और चाइना के। ओके फाइन, तो तुषार जी का बिल्कुल क्लियर मत जो है कि भारत के अंदर लगभग 60 से 62 लाख बैग्स का उत्पादन है, जिसमें लगभग जैसे तुषार जी ने बताया कि राजस्थान और गुजरात को मिला के लगभग 60 से 62 लाख बैग्स का प्रोडक्शन है, लेकिन खपत हमारे यहाँ भी लगभग 75 से 80 लाख बैग्स की होती है। और जो चाइना पे हम बार बार क्यों नजर रखने हैं, क्योंकि चाइना विश्व में सबसे बड़ा भारत का इंपोर्टर है क्यों, यानी जीरे के ऊपर वहां पे 70 से 80 हजार टन की पैदावार की खपत के मुकाबले मात्र इस साल 25 से 28 हजार टन जीरे की पैदावार होने की संभावना बन रही है। यदि भी ये पिछले साल के मुकाबले अधिक है, क्योंकि पिछले साल मात्र 15 से 16 हजार टन जीरे की पैदावार के समाचार थे, तो इस साल चाइना के जीरे की पैदावार बढ़ने के बावजूद भी चाइना को जीरे की डिमांड पूरी करने के लिए विश्व में अलग अलग देशों से जीरे का माल खरीदना ही पड़ेगा। तो अब और तुषार जी ने एक और महत्वपूर्ण बात आपसे चर्चा की है कि लगभग अगले 15 से 20 दिन में विदिन फोर्टनाइट लगभग 200 से 250 कंटेनर की खरीद की उम्मीद तुषार जी लगा रहे हैं चाइना से, क्योंकि चाइना की जो फसल है वो लगभग जून के महीने में आती है, तो अभी अप्रैल मई और मार्च का लगभग आधा यानी 2.5 महीने बाकी हैं, तो वो 2.5 महीने की जो कवर करने के लिए चाइना को माल खरीदना ही पड़ेगा। और साल 2022 में सितंबर महीने के अंदर जीरे की शानदार खरीदी चाइना ने की थी, और उसके वजह से देखिए कि जीरे के भाव आसमान छूने लगे थे। तो दोस्तों ये था एक मोटे कंजम्पशन और प्रोडक्शन के डाटा। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो है, तुषार जी आप राजस्थान से हैं, जयपुर में आप रहते हैं, तो मौसम के बारे में आपका क्या कहना है कि मौसम क्या बिगड़ रहा है, कैसे क्या है कि क्योंकि राजस्थान क्योंकि 40,000 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि लगभग 40 लाख बैग जीरे के राजस्थान प्रोवाइड करता है, तो वहां के मौसम पे नजर रखना बहुत आवश्यक होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि वहां पे मौसम की क्या समाचार है? यदि हम मौसम के ऊपर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं मौसम के अंदर स्पेशली जो इलाके जीरे प्रोड्यूसिंग यानी कि जीरा की पैदावार जिन जिन इलाकों में हुई है होती है राजस्थान के अंदर, उनके अंदर स्पेशली काफी दिनों से मौसम खराब होने की खबरें आ रही है, बारिश होने की खबरें आ रही है, जिसके वजह से फसल के ऊपर भी यही एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही है और यही खबरें नजर सामने आ रही है कि फसल के अंदर भी गिरावट और फसल भी खराब होने की खराब होते हुए दिखाई दे रही है, तो जिसका इम्पैक्ट जरूर प्रोडक्शन के ऊपर भी पड़ने की संभावना है, और प्रोडक्शन के साथ साथ उसके जीरे के भावों के ऊपर भी आगे आने वाले जब प्रोडक्शन फाइनल प्रोडक्शन निकलेगा तब उसके अंदर जरूर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको एक दिन पहले से ही लगातार अपडेट दिए थे कि राजस्थान और देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब और बरसात और ओलावृष्टि की संभावना नजर आ रही है,
और राजस्थान के अंदर कल छुटपुट बरसात और ओलो की समाचार हैं, इसके ऊपर एक पूरा विशेष शो आप हमारे चैनल पर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था जीरे का मोटे रूप से फंडामेंटल। अब हम यदि टेक्निकल को भी शामिल कर लेते हैं, यदि हम टेक्निकल लेवल से अपनी बात करें कि एनसीडीएक्स के ऊपर, क्योंकि कम्युनिस्ट की यानी जीरे की ट्रेडिंग हो रही है, तो मैं तुषार जी आपसे यही कहूंगा कि आप एनसीडीएक्स के ऊपर आप क्या कहते हैं कि उसके चार्ट और उसका क्या आपका आकलन है, क्योंकि जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसके बेहतरीन रिजल्ट अक्सर देखने को मिलते हैं। तुषार जी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी ये टेक्निकल चार्ट्स है एनसीडीएक्स पे जीरे फ्यूचर्स के ऊपर, और ये हर एक कैंडल एक दिन की कैंडल्स है। और जैसे कि हम देख सकते हैं जीरे ने आपका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो लगभग 29,700 और 29,800 के लेवल्स के आसपास से रिवर्सल देखने को मिली है मार्च के फर्स्ट वीक से, और एक अच्छी रिवर्सल देखने को मिली है। और जीरे के अंदर आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर भी और आगे आने वाले महीनों के अंदर भी जीरे के अंदर एक अच्छी अपमूव जारी रहने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। हालांकि यदि हम थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो हम देख सकते हैं जनवरी में, लगभग मिड जनवरी में जो इसके फ्यूचर्स के प्राइसेस थे लगभग 38,000 के लेवल के थे, जो कि गिरकर लगभग 29,700 के आसपास तक ये गिरे थे। तो 38,000 से 29 और 30,000 तक लगभग 8,000 का एक गिरावट देखने को मिला, और उसके बाद में पिछले कई दिनों से लगातार इसमें एक अपमूव देखने को मिल रहा है। अभी ये लगभग 33,000 के आसपास ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और टेक्निकल्स के हिसाब से भी, और हम यदि इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी देखें जो कि 20 डेज का आता है लगभग 31,640 पे, और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 31,282 पे, 100 दिन का आता है लगभग 30,050 पे, और 200 दिन का आता है लगभग 27,350 पे। तो ये सभी अपने 20, 50, 100 और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और उसके ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो आगे आने वाले सेशंस के अंदर भी एक समय तेजी जारी रहने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। परफेक्ट। तो तुषार जी का कहना ये है कि जो 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कि 30 डेज का देखा जाए तो उनका कहना है 31,640, और 50 डेज का देखा जाए 31,282, और 100 डेज का लगभग 30,000, और 200 दिन का 27,800। यानी ये जो पांचों पैरामीटर है इसके ऊपर यदि ट्रेड होता है तो नॉर्मली वो एक तेजी की बात कही जाती है। अब फंडामेंटल के अंदर भी बारिश यानी ओलावृष्टि और बारिश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिमांड और टेक्निकल एनालिसिस, ये सब जीरे के अंदर यानी क्यूमिनिस के अंदर एक अप ट्रेंड दिखाने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आप हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीरे में आप तेजी धार रहे हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट्स